हरियाणा में बीते दिन यानी 25 मई को लोकसभा और करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना हुई। चुनाव के बाद नेता अब रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम नायब सिंह सैनी भी रिलैक्स मूड में नजर आए। दरअसल सीएम सैनी रेलवे रोड की चाय की टपरी पर चाय पीते हुए नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बात भी की और साथ ही बच्चों को प्यार और आशीर्वाद देते हुए भी सीएम दिखे। लोगों ने सीएम के साथ सेल्फी ली और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम सैनी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और दावा किया कि बीजेपी सभी सीटों पर अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा सीएम ने इंडी गठबंधन पर तंज कसा। लगातार चुनाव के अंदर पिछले एक महीने से लगे हुए थे और आज हरियाणा की जनता का जो प्यार आशीर्वाद मिला है, मैं जब बूथों के ऊपर जा रहा था एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मोदी मोदी मोदी। 11 के 11 कमल के फूल थे बड़े मार्जिन के साथ, क्योंकि मोदी ने पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में बड़ी ईमानदारी से काम किया, हर वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, उनके पास झूठ का एक दुकान थी और वो झूठ को परोसने में लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठ ज़्यादा फैलता है और जब वो झूठ बोलते हैं तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए विश्वास करते हैं, परंतु जब उनको लगता है कि नहीं हमारा गलत फहमी थी, तो लोग लंबे समय से कांग्रेस के आचरण को समझ चुके हैं और जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग इनकी भी राशि एक है, ये भी झूठ की दुकान के अंदर।